और चलिए सीधे आपको झारखंड लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे, 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर में आए दिन खतरे की घंटी बजती रहती थी। जम्मू कश्मीर का क्या होगा चिंता रहती थी, बम धमाके, गोला बारूद, कश्मीर से वही सुनाई देता था। आपके एक वोट की ताकत देखिए। आपने जम्मू कश्मीर देखा भी नहीं होगा, लेकिन आपके वोट की ताकत देखिए। जो 370 की दीवार थी, आपके इस वोट ने 370 की 370 की उस दीवार को जमीन दोस्त करके जमीन में गाड़ दिया। आए दिन हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, आंध्र में, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक नक्सलवाद, आतंकवाद फैला करके यहां की धरती को लहूलुहान कर देता था। कितनी माताएं अपना जवान बेटा खो देती थी, पाल पोस करके बड़ा किया बेटा, गलत संगत में आकर बंदूक उठाकर जंगलों में भाग जाता था। आपके एक वोट ने कितनी ही माताओं की आस पूरी की, बच्चों को बचा लिया। आपके एक वोट ने इस धरती को लहूलुहान करने वाले नक्सलवादी आतंकवाद से मुक्ति दिला दी। ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों, याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे, और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था, और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना,
उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनप इजनप बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा, मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि जब झारखंड बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, कश्मीर में शहीद न होते हो और तिरंगे में लिपेट करके उनके शरीर वापस न आते हो। ये हर महीने चलता था, आज वो सब बंद हो चुका है। ये आपके वोट ने किया है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी, ये स्थिति की पाकिस्तान, वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। फिर एक बार भाइयों और बहनों, मुझे सीएम और पीएम के रूप में देशवासियों की सेवा करते करते अब 25 साल हो जाएंगे। आपके आशीर्वाद से 25 साल हो गए, मोदी पर एक पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा है। और मेरे लिए तो मेरी ये मां बहने बैठी है ना, उनकी दुआ उनके आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है, काफी है, मुझे जीवन में और किसी की जरूरत नहीं है जी। मैं आज भी पद प्रतिष्ठा सुख समृद्धि इन सब से दूर वैसा ही हूं जैसा आपने मुझे यहां भेजा था। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। साथियों, संपत्ति हो,
राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भाई? आगे कुछ रखा ही नहीं है, पीछे भी कोई रखा नहीं है। मेरे वारिस तो आप सभी हैं, आपके बच्चे, आपके नाती पोते, यही मेरे वारिस है। मेरी इच्छा है मैं विरासत में आपको, आपके बच्चों को विकसित भारत देकर के ही जाऊं, ताकि आपको कभी मुसीबत भरी जिंदगी जीने की नौबत ना आए, आपका अच्छा जीवन हो, आपको वो सब न देखना पड़े जो मेरे जैसे परिवार, जो मैंने कभी देखा था, मेरे जैसे लाखों करोड़ों परिवारों ने देखा है। मैं वो स्थितियों से देश को मुक्ति दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं। मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है। जब आज मैं लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे मेरी आंख में से आंसू निकल आते हैं, और ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो, जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पाँव न फटे बिवाई, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। मोदी के 10 साल के सेवा काल में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं, इसलिए वो आज भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं। यही मेरे गरीब भाई बहन है, उन्हीं के आशीर्वाद, यही तो मेरी शक्ति है, यही तो मेरी पूंजी है। साथियों, कांग्रेस ने, उसके सहयोगियों ने पलामू को भी तो अपने हाल पर छोड़ दिया था। दिल्ली में बैठे इनके नेताओं को नक्शा दिखाकर पूछ लीजिए कि पलामू कहाँ है तो पता ही नहीं होगा। ऐसे ही जिलों में देश के सबसे ज्यादा दलित आदिवासी पिछड़े ये मेरे भाई बहन रहते हैं, लेकिन इसकी उन्हें परवाह ही नहीं थी। ऊपर से ऐसे जिलों को पिछड़ा जिला कहकर पलामू को अपमानित किया जाता था, ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट यानी कोई अच्छा अफसर यहां आने को तैयार नहीं, ये हाल बना के रखा। आपने मुझे 2014 में सेवा का मौका दिया, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पिछड़ा पिछड़ा सारी जो इन जिलों को उन्होंने बैकवर्ड बैकवर्ड करके बर्बाद करके रखा था ना, मैंने कहा ये आकांक्षी जिले हैं, यहां के लोगों के भी सपने हैं, यहां के लोगों की भी आकांक्षा है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसमें नई जान भर दूंगा और मैं इन आकांक्षी जिलों को होनहार जिला बना करके रहूंगा। पहले अफसर ऐसे जिलों में आने से डरते थे, अफसरों को लगता था कि यहां पोस्टिंग मतलब मेरा पनिशमेंट पोस्टिंग हो गया, सजा देने के लिए मुझे तैनात किया जाता था। मैंने देश के सबसे अच्छे अफसरों को पलामू में लगाया। अब मेरे पलामू के लोगों की मेहनत देखिए, पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से शुरू होने से पहले और अब आसमान जमीन का फर्क आ गया है। 100 में से सिर्फ 14 गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास पक्के घर थे, आंकड़ा याद रहेगा, 100 में से 14। आज पलामू में करीब करीब हर परिवार के पास पक्का घर हो रहा है। और मैं आपको भी कहता हूं, जब इस चुनाव अभियान में आप गांव गांव जाएंगे ना, और गांव में कहीं भी कच्चा मकान दिखे, कोई परिवार को अजीब पक्का घर पहुंचा नहीं है, ऐसे एक दो लोग मिल सकते हैं, उनको नाम पता लेकर के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी